बिहार के कटिहार से सामने आई खौफनाक तस्वीर। स्कूल की इमारत गंगा में समाई। हादसे के वक्त खाली था स्कूल। बिहार के भागलपुर में उफान पर गंगा कटान से दो मंजिला मकान ने सेकंड्स में ली जल समाधि। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी में डूबे 26 गांव। नाव पर बने चंट में जीवन बिताने को मजबूर हैं ग्रामीण। प्रशासन के मुताबिक प्रभावित ग्रामीणों को मिल चुका है मुआवजा। राजस्थान के कोटा में एनडीआरएफ ने किया 350 स्कूली बच्चों का रेस्क्यू। राणा प्रताप सागर बांध के 17 गेट खोले जाने के बाद बीते शनिवार से ही स्कूल में फंसे थे बच्चे। यूपी के बलिया के दुबे छपरा में करोड़ों की लागत से बना रिंग बांध टूटा। जिला प्रशासन ने आसपास के गांव खाली कराने के दिए निर्देश। गांव में घुसा गंगा का पानी। एमपी के आगरमालवा में बारिश और बाढ़ से फसल तबाह। तालाब की दीवार टूटने से खड़ी फसल हुई बर्बाद। बिहार के छपरा में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। फसलों का भी भारी नुकसान। एमपी के देवास में नदी में बही बाइक। बाइक सवार ने तैर कर बचाई अपनी जान। एमपी के मंदसौर में बारिश से बुरे हालात। बाजार हुआ पानी पानी। 48 घंटे की लगातार बारिश से लाखों का सामान बर्बाद। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा। गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के करीब। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश में जारी है भारी बारिश का सिलसिला। राजधानी भोपाल में एक बार फिर शुरू हुई बारिश। यूपी के वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप। निचले इलाकों में भरा पानी। गलियां बनी तालाब। सड़कें भी पानी में डूबी। कानपुर देहात में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी के कोहराम से लोगों की बड़ी दिक्कतें। भिंड में एमपी से यूपी को जोड़ने वाले चंबल पुल पर हो सकता है आवागमन बंद। खतरे के निशान को छू रही है चंबल नदी। साउथ ईस्ट स्पेन में रेस्क्यू टीम ने घर में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जवानों ने एक नवजात बच्चे को खिड़की के रास्ते सुरक्षित निकाला। यूपी के संभल में दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग की वजह। नासिक के मनमाड रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची शख्स की जान। चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटकते शख्स की आरपीएफ ने बचाई जान। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के जोधपुर में बम्बोर टोल प्लाजा पर बदमाशों को का कहर। पहचान पत्र मांगने पर 8 से 10 बदमाशों ने की टोल कर्मियों की पिटाई। टोल प्लाजा में भी की तोड़फोड़। नोएडा के एक मॉल में नशे में धुत जोड़े ने कैशियर और सुरक्षा कर्मियों के साथ की मारपीट। पार्किंग नहीं मिलने पर बूम बैरियर भी तोड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। यूपी के लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कार सवार प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े मारी गोली। स्कूल के पास हुई इस फायरिंग से दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। उत्तराखंड के बागेश्वर में दिखी खाकी की दबंगई। पुलिस वालों ने दुकान में तोड़फोड़ के साथ दुकानदार को भी पीटा। सीसीटीवी में कैद ये वारदात। यूपी के अमरोहा में गले में तख्ती डालकर थाने में सरेंडर करने पहुंचा 15 लाख रुपए की लूट का अपराधी। तख्ती पर लिखा, मुझे गोली मत मारो, मैं लूट का आरोपी हूं, मुझे माफ कर दो। राजस्थान के उदयपुर में लुटेरों ने बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम। महज 50 सेकंड में 19 लाख रुपए लेकर हुए फरार। राजस्थान के नागौर में पंचायत ने महिला और युवक के साथ की दरिंदगी के इंतहा। सरेआम पीटा और बाल काटे। पुलिस ने केस दर्ज किया। एमपी के दमोह में कॉलेज में प्रिंसिपल और प्रोफेसर में तीखी बहस। एक दूसरे पर लगाए आरोप। बहस का वीडियो वायरल। छतरपुर के एसपी ऑफिस में ग्रामीण ने मचाया हंगामा। सुनवाई न होने से परेशान था ग्रामीण। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। भोपाल में संत समागम में आए बाबाओं में हुई मारपीट। गंभीर रूप से घायल हुआ एक बाबा। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर बस का सफर करते छात्रों का वीडियो वायरल। रोक के बावजूद पैसों की लालच में प्राइवेट बसों के चालक बस की छतों पर करा रहे हैं यात्रा।
यूपी के शामली में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी और मासूम बच्ची को कुचला, बच्ची की मौके पर ही मौत, दोनों घायलों की हालत गंभीर, ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। हरिद्वार के कनखल में रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पी रहे लोगों को पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा, 16 लोगों समेत रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में रिहायशी इलाके में भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत, खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है भालू, ग्रामीणों ने वन विभाग से लगाई मदद के लिए गुहार। यूपी के वाराणसी में डॉगी को ऑटो के ऊपर रखकर ले जाने का वीडियो आया सामने, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मेरठ में यूनिवर्सिटी के कार्यालय अधीक्षक की हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 आरोपी गिरफ्तार, हत्या का मास्टरमाइंड अब भी फरार, बीते 14 तारीख को संजय गौतम की हुई थी पीट पीट कर हत्या। यूपी के सहारनपुर में दबंगों के डर से ग्राम प्रधान ने परिवार के साथ किया पलायन, ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भरकर पुलिस लाइन पहुंचा पीड़ित परिवार, पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा देकर वापस भेजा घर। यूपी के हरदोई में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, कई खतरनाक हथियार बरामद, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। भोपाल में सिंधु सेना ने जलाया पाक का झंडा, पाकिस्तान में मंदिरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का किया विरोध। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 12 साल से बन रहे पुल को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गधा लेकर पहुंचे लोग। मध्य प्रदेश के गुना में चौपेट नदी पर नहीं थम रहा है अवैध खनन का धंधा, माफियाओं को किसी की परवाह नहीं। देवास में किसान ने फांसी लगाकर दी जान, सोयाबीन की फसल खराब होने से था परेशान। यूपी के संभल में दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग की वजह। आज 69 साल के हुए पीएम मोदी, देश भर में समर्थक मना रहे जश्न, दुनिया भर से मिल रहे हैं बधाई संदेश। पीएम मोदी सरदार सरोवर डैम का लेंगे जायजा, मां का भी लेंगे आशीर्वाद। गुजरात के सरदार सरोवर डैम पर भव्य लाइटिंग की गई है, पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया पीएम मोदी का 69वां जन्मदिन, कार्यकर्ताओं ने काटा आर्टिकल 370 और 35A लिखा हुआ 69 किलो का केक। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया पीएम मोदी का 69वां जन्मदिन, तिरंगा लेकर नाचते गाते नजर आए लोग। भोपाल में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्साह, समर्थकों ने केक काटकर खुशी का किया इजहार। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन की भव्य तैयारी, वाराणसी में एक समर्थक ने संकट मोचक मंदिर में चढ़ाया 1.5 किलो सोने का मुकुट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगाई गई पीएम मोदी के जीवन के ऊपर प्रदर्शनी, बचपन से लेकर पीएम बनने तक के सफर की तस्वीरें बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेशन में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, राजीव प्रताप रूडी और प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेता शामिल। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विदेश मंत्रालय आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, आज चुनाव आयोग मुंबई में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ करेगा बैठक, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए देगा निर्देश। राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल, 2 विधायकों को मिल सकती है गहलोत सरकार में जगह, अभी तक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे बीएसपी विधायक। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की तैयारी में राजस्थान सरकार, आने वाले दिनों में संबंधित विभागों से होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एनसीपी में बनी बात, 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां। साल 2018-19 में कांग्रेस के चंदे में 5 गुने का इजाफा, पार्टी को मिला 146 करोड़ का चंदा, बीजेपी को साल 2017-18 में मिला था 1027 करोड़ रुपए का चंदा। हिंदी पर छिड़े संग्राम में कूदे कमल हासन, अमित शाह के एक राष्ट्र एक भाषा वाले फॉर्मूले का किया विरोध। दिल्ली सरकार के ऑड इवन लागू करने के फैसले को एनजीटी में दी गई चुनौती, 4 से 15 नवंबर के बीच शुरू होना है सिस्टम।
राष्ट्रपति के विमान मामले में एयर इंडिया ने दिए जांच के आदेश। ज्यूरिख जाते वक्त प्लेन में खराबी से कार्यक्रम में 3 घंटे की हुई थी देरी। राम मंदिर पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के लिए हमने सरकार से की है विशेष कानून की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की करेंगे शुरुआत। कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया के 8 देश लेंगे हिस्सा। महोत्सव के जरिए दुनिया देखेगी भारत का सांस्कृतिक कल्चर। स्कूल कॉलेज के बाद अब यूनिवर्सिटी खोल रहा है आरएसएस। अगले सत्र से शुरू हो जाएगा अशोक सिंघल वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गुरुग्राम में करीब 40 एकड़ जमीन की खरीद पूरी। आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुरेला शिवप्रसाद ने की खुदकुशी। हैदराबाद के अपने घर में लगाई फांसी। खुदकुशी की वजहों की तलाश जारी। अंतागढ़ टेप कांड में अजीत जोगी और अमित जोगी को झटका। दोनों की अग्रिम जमानत कोर्ट ने की खारिज, कहा दोनों षड्यंत्र के हैं मुख्य कड़ी। एमपी में बाढ़ से फसल बर्बादी को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सीएम को लिखा खत। सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के मेटापाल में की जनसभा। पूर्व सीएम रमन सिंह पर साधा निशाना, कहा 15 साल तक प्रदेश को लूटने वालों से रहना होगा सावधान। छत्तीसगढ़ में भी मोबाइल मेडिकल टीमें करेंगी लोगों का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी जानकारी, 2 अक्टूबर से शुरुआत। 4 अक्टूबर को लखनऊ से शुरू होगी देश की पहली प्राइवेट ट्रेन। सीएम योगी तेजस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को कई सुविधाओं के साथ मिलेगा 25 लाख का बीमा। दिल्ली एनसीआर के 60,000 मेट्रो यात्रियों को लग सकता है बड़ा झटका। गुरुग्राम से चलने वाली रैपिड मेट्रो के संचालन पर फैसला आज। रैपिड मेट्रो का संचालन करने वाली कंपनी ने हरियाणा सरकार को अधिग्रहण करने का दिया है नोटिस। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच 3 दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास का आज दूसरा दिन। आतंक विरोधी अभियान के लिए सैनिकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। एमपी के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इटारसी रेलवे जंक्शन को बम से उड़ाने की दी है धमकी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। आने जाने वाले हर शख्स की सघन तलाशी। जैश ए मोहम्मद के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, हर आने जाने वालों की चेकिंग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोतवाली में 5 दरोगा और 23 सिपाहियों को डेंगू, सारे दावे हुए फेल। यूपी के सहारनपुर में वायरल बुखार का कहर, जिला अस्पताल में 700 से ज्यादा लोग भर्ती। यूपी के मथुरा में कारोबारी का शव मिलने के बाद हंगामा, घंटों लगा रहा जाम। शक के आधार पर पुलिस ने शख्स को पकड़ा। पाकिस्तान 9 नवंबर को खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। 11 नवंबर को मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। कश्मीर पर समर्थन के बदले मुस्लिम देशों की पाकिस्तान को नसीहत, कहा भारत से पिछले दरवाजे से करे बातचीत की कोशिश। जिनेवा में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष डलकन ईसा ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा पाक में सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन। यूके में इमरान खान की पोल खोलने वालों पर टूटा कहर, 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल, हाफिज सईद का बेटा आतंकियों के लिए जुटा रहा पैसा। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के समुद्री तट पर दिखी 7 किलर व्हेल, बचाव कर्मियों ने 6 को बचाया, 1 व्हेल की मौत। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में लगी आग और बढ़ी, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। 2018 की तुलना में इस साल आग लगने की घटनाओं में 80% का इजाफा। सऊदी अरब की कंपनी अरामको के तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद तेल के दामों में बड़ा उछाल। दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन में 5% की कमी। अमेरिका ने ड्रोन हमले के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार। ऑस्ट्रेलिया के नामबंग नेशनल पार्क में कार और बस के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में चीन की महिला पर्यटक की मौत। चीन में सर्फिंग हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने, नदी की लहरों पर सर्फिंग करते नजर आए लोग। लहरों पर सर्फिंग के लिए लोगों में लगी होड़, लोगों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए।
सोशल मीडिया पर पहाड़ी से जेसीबी गिरने का वीडियो हुआ वायरल, चालक भी जेसीबी में था सवार, बाल बाल बची जान। लंदन से कार चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रात के समय दो बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार को चुराया, पुलिस जांच में जुटी। शेर के साथ कदम ताल करते लोगों का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो कीनिया के मसाई मारा का बताया जा रहा है। ब्राजील में समंदर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आई सामने, 23 फीट का एनाकोंडा समुद्र तल पर देखा गया, एक गोताखोर ने कैमरे में तस्वीर कैद की। तूफान हैम्बर्टो ने बरमूडा का किया रुख, अमेरिका में भी बढ़ा तूफान का खतरा। मलेशिया में धुंध से जंग जारी, धुंध को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा। मुंबई में लालबाग के राजा के खजाने पर भी पड़ा आर्थिक मंदी का असर, नकद चढ़ावे में आई 50 लाख रुपए की कमी, इस साल लालबाग के राजा को मिला 6.5 करोड़ रुपए का नकद चढ़ावा। दिल्ली में रामलीला के आयोजन पर मंदी का असर, रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों को पैसे देने की किल्लत, कलाकारों के खर्च में भारी कटौती। बेस्ट को उबारने के लिए बीएमसी की पहल, बेस्ट को मिलेगी 1136 करोड़ की मदद, बेस्ट ने नई बसें भी शामिल की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5% जीडीपी पर जताई हैरानी, कहा सरकार के उठाए कदम से फिर तेज होगी अर्थव्यवस्था, दुनिया के विकसित देशों की इकोनॉमी में भी आई है गिरावट। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था की हालत खराब, 17 साल के निचले स्तर पर पहुंचा औद्योगिक उत्पादन। ई कॉमर्स पर आर्थिक मंदी का असर, ऑनलाइन शॉपर्स का खर्च पहली छमाही में 25% घटा। सऊदी अरब के तेल प्लांट पर हमले का दिखने लगा है असर, कच्चे तेल की कीमतों में आया भारी उछाल, तेल की कीमत बढ़ने से शेयर बाजार में गिरावट। कनाडा में पारंपरिक विंटर फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ।